ये है फ्रंट व्हील स्टब, इसका मेकिंग प्रोसेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम बीट्स को कट करके एक्सल बीम को तैयार किए हुए हैं। इसी के साथ सभी पार्ट्स को अब हम असेंबल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्टेयरिंग बनाएंगे और इसके लिए हमने जुगाड़ किए हैं एल्युमिनियम बीट्स को कट करके इस तरह से स्टेयरिंग लिंक को तैयार किए हुए हैं और इसको हम इस स्टेयरिंग आर्म के साथ मूवेबल कराएंगे। ये है 9 ग्राम का सर्वो मोटर और इसको हम लोग यूज़ करेंगे स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट करने के लिए। यहाँ पर सर्वो मोटर को इस लॉकर के थ्रू इस एक्सल बीम पर फिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर स्टीयरिंग लिंक को सर्वो आर्म के साथ अटैच करेंगे जिससे कि सर्वो मोटर लेफ्ट राइट मूव कराएगा फ्रंट व्हील को। इस पॉइंट को बहुत जरूरी होता है समझना। तो वायरिंग कनेक्शन के लिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिसने पहले पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसे पहले देख सकते हो। ट्रांसमीटर, रिसीवर, ESC और लिपो बैटरी को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, हाउ टू मेक बिग RC, इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं पूरे वीडियो इसको। और आपको इस पिछले वीडियो में मिल सकता है किस तरह से पूरा चेसिस बॉडी और रियर एक्सल को किस तरह से असेंबल किया गया है सभी पार्ट को बनाकर। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर शेयर कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। बाय बाय।